गाइस अभी हम फिर वहीं पे जा रहे हैं संतरे के पेड़ पे संतरे तोड़ने। इधर से चलो। वहां से नहीं, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से जाएंगे ना। वो देखो वो रास्ता, यहाँ से आना तू। अब मैसेजेस भी आ रहे हैं, नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल भी, एक भी टावर नहीं आ रहा यहाँ पे, नेटवर्क है ही नहीं यहाँ पर। नया गार्ड में ना, हमारे घर में तो है। हाँ, दो तीन टावर आ जाते हैं और यहाँ एक भी नहीं आ रहा। यहाँ तो मैंने कल से फोन ही नहीं चलाया, व्लॉग ही बना रहा हूँ बस, और उसके अलावा फोन चलाया ही नहीं, नेट चलाया ही नहीं। कहाँ को जा रहा है? अरे तू इधर आना, वहां से चलेंगे ना, पहले घर में चलते हैं। धूप भी बढ़िया आ रही है, सुबह शाम तो काफी ठंड है, रात में खासकर। दोपहर में अच्छा मौसम है। ये देखो संतरे का पेड़, कच्चे हैं लेकिन कल हमने खाए थे दो चार, अभी कच्चे हैं ये। ये देखो सारे माल्टा हैं ये, जिन्हें टैंगेराइन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तोड़ना स्टार्ट करूं? नहीं तोड़ मत। क्या फोन चाहिए? नहीं पके कोई भी नहीं है। कल गाइस हम तोड़ के ले गए थे चार पांच, हैं योगी तोड़ के ले गए थे। हाँ, और बाकी हमने यहाँ बैठ के भी, ये देखो अभी तक पड़ा है, यहाँ बैठ के खाए थे। उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, ये इसका ये पड़ा हुआ है, छोड़ गया था ये योगी कल। बाकी ये सारा ये जो दिख रहा है हमने खा के फेंक रखे हैं। कोई पूछता नहीं है यहाँ पर, गांव में सीन ये है। वो कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज होती है उसे उस चीज की कदर नहीं होती, गांव वालों का यही सीन है। ये उग रहे हैं लेकिन कोई खाएगा नहीं। हम खाएंगे। मैंने लेकिन ले लिए हैं, छह ले लिए हैं, घर लेके जाऊंगा फिर खाऊंगा। मत मार, मत तोड़। क्यों तोड़ रहा है फालतू में यार? हम भी तो लेके जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तू कहाँ लेके जाएगा? खा रहा है भाई को, तेरे घर वाले कोई खा नहीं रहे, मेरी मम्मी खा जाएगी सारे, देखियो। हाँ हाँ, आपको नहीं मिलेगा? नहीं, मेरी मम्मी बहुत खाती है ना खट्टा, तो आप भी ले लो ना, मम्मी को बड़े पसंद आएंगे। दस आप है, मैंने तो खा लिए थे कल, तीन पहाड़े थे, मजा आ गया था। इतना ज्यादा विटामिन सी है गाइस, लोग पता नहीं क्या फिर गांव के लोग बोलेंगे, ये कमी हो गई, वो शरीर में वो कमी हो गई। कमी होगी, विटामिन सी तुम ले नहीं रहे हो, इनके सबके शरीर में विटामिन सी की कमी होगी। फल तो खाते नहीं है गाइस, क्योंकि ये और ये उग रहे हैं, ये बस ये सिर्फ खाते हैं आम गाइस गांव में, नाशपाती को भी कोई नहीं पूछता गाइस। गांव में ये सीन है, फल का पेड़ चाहे सड़ जाए, चाहे सारे फल सड़ जाए, लेकिन कोई खाएगा नहीं उसे, या तो बेच दो, नहीं ना तो बेचते हैं ना खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। बचपन में कई बार मैं नाशपाती तोड़ने जाता था, खुद तो खाते नहीं थे ना मेरे को तोड़ने देते थे, लठ लेके पीछे और पड़ जाते थे। गाना कौन बजा रहा है? ये पीछे देखो गाइस, क्या मजेदार सीन दिख रहा है, पाइन ट्रीज, चीड़ के पेड़। सेल्फी स्टिक निकाल लिए मैंने आज, सेल्फी स्टिक से सही वीडियो शूट होती है योगी? सही नहीं होती? हाँ अच्छी होती है। वैसे तो वैसे भी मैं सही शूट करता हूँ, हाथ तो मेरा स्टेबल ही रहता है, लेकिन सेल्फी स्टिक थोड़ी और बेटर है, क्योंकि और ये लंबा हो जाता है जैसे ये लोग। तो गाइज अभी ये हमें एक घर दिखा है, अबैंडन्ड हाउस, काफी टाइम से खाली पड़ा है। ये देखो ईश्वर है जैसी है, कहाँ लिखा है? अच्छा ये देखो। हाँ हाँ, तो अभी देखता हूँ मैं जाके, देखो सीढ़ियों पे भी पौधे उग गए बिल्कुल। चलते हैं ऊपर, गांव के लोग तो बहुत डरते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये देखिए गाइस अंदर से कुछ ऐसा है घर, पहाड़ी घर देखिए, मैं आपको आज दिखा देता हूँ। ऊपर से मैंने आपको सीढ़ियां तो दिखाई थी, नीचे अंदर आ जा, वहां मत खड़े हो, देख लेगा कोई। कौन खड़े हो रहा है यहाँ? क्यों खड़े हो रहा है? तो अंदर आ जा, नीचे जा। देख लो वो, कोई बात नहीं लग, वो बाद में हट जाएंगे गाइस। देखो अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी ये लकड़ी है गाइस, ये देखो
अंधेरा हो रहा है, फ्लैश लाइट ऑन कर लूं क्या? अब शायद आपको दिख जाए, ये देखो ये जमीन का फ्लोर है, ये देखो पूरा गाइस मिट्टी पत्थर और लकड़ी से पूरा मकान बना है। यही तो मुझे पहाड़ों में मेन चीज यही पसंद है, इन मकानों में रहने का सोने का मजा ही अलग है। जर्जर हो गया मकान पूरा, गिर सकता है कभी भी। ये देखो रात में कोई अद्देबाजी करता है यहाँ पे, कंटेसा की बोतल पड़ी है यहाँ पर, वो रखते होंगे अपना कॉस्मेटिक का सामान जो पहले रहता होगा यहाँ पर, वही सब रहता है। और बाकी मुझे यहाँ पर ये आई थिंक शायद छत्ता है क्या ये, गाइस बताना कमेंट में है क्या ये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या है ये। देखो ये देखो पता नहीं क्या है ये, एक कमरा ये है अंदर और एक रूम ये है बाहर, छोटे छोटे कमरे हैं लेकिन डिसेंट साइज है, गांव में इतना बहुत है। चलो फिर चलते हैं बाहर, ये देखो पूरा क्या हो रखा है घर का हाल, कब से लोग यहाँ रहने नहीं आए। बाहर देखो बारामदा पूरा, ये देखो रुक जाना, ये देखो पूरा, ये दूसरी सीढ़ी वो शायद दूसरा मकान है, उसमें भी जाके दिखाते हैं अभी आपको। ये इधर केले का पेड़, ये इधर केले का पेड़ उगा रखा है, ये तो भाग लिया, इसे डर लग रहा है। सामने नजारा देखो एक बार, क्या जगह है, ऐसी जगह पर घर हो ना मजा ही आ जाएगा। एक घर पीछे की साइड भी है लेकिन उधर इधर तो ये गेट तो बंद है, कुंडी लगी हुई है तो मैं नहीं जा पाऊंगा इसमें। ये देखिए ये पहले किचन हुआ करता था, किचन में जाके तो दिखा ही सकता हूँ आपको, यहाँ नहीं जा पाऊंगा, ये इसमें कुंडी लगा रखी है, वो तो खुला हुआ था मैं उसमें चला गया। यहाँ गांव के लोग भी रोक टोक भी बहुत करते हैं ना, अभी किसी ने मेरे को देख लिया तो टोकेंगे। ये देखिए ये पूरा गिर चुका है, ये देखो छत ढह चुकी है इसकी, नीचे पड़ गया सारा मलबा। ये आई थिंक बेड है, नहीं बेड नहीं है, क्या है पता नहीं क्या है, दीवान सा। ये देखिए देख नहीं रहा होगा आपको साफ क्योंकि अंधेरा है अंदर, मैंने फिर भी फ्लैशलाइट ऑन कर रखी है फिर भी लेकिन नहीं दिख रहा, और यहां मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि पूरा जर्जर मकान है। तो चलते हैं यहां से बाहर, अभी बाहर आ चुका हूं यहां से। गांव के लोग बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं ये, क्योंकि काफी चीजों में जिन चीजों में मैं बिलीव नहीं करता उन चीजों में बिलीव करते हैं, अंधविश्वास टाइप में। तो अभी किसी ने मेरे को देख लिया तो चिल्लाएंगे टोकेंगे, नीचे ही हमारा घर है उधर। जा रहा हूं मैं इधर यहां से, अगर यहां पर आए आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो गांव आने का आपका कोई फायदा नहीं है। मैं यहां पर घर में बैठने बिल्कुल भी नहीं आता हूं, मैं चाहे व्लॉग बनाऊं ना बनाऊं मेरे को घूमना है बस। एक घर, वो घर देखो पीछे कितना सुंदर मकान बना रखा है, पहले भी दिखाया है मैंने आपको।
गांव में जब मैं आऊं तो चाहे मैं व्लॉग बनाऊं ना बनाऊं, मेरे को बस घूमना है, एक्सप्लोर करना है चीजें, क्योंकि मैं उसी चीज के लिए बनाऊं, मुझे वो चीजें करना पसंद है। और अगर किसी दिन बड़ा व्लॉगर बन जाता हूं तो बस आप लोग अगर मुझे मेरी वीडियोस पसंद करोगे, लाइक करोगे, तो मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकता हूं, जो कि है ट्रैवल व्लॉगिंग, जो कि मैं अभी कर रहा हूं, आप देख रहे हैं इस वीडियो में। नेचर से मुझे बहुत प्यार है, जानवर से बहुत प्यार है, इसीलिए मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। वो देखो वहाँ से कोई चिल्ला रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। वो घर आपको सामने दिख रहा है, वहाँ से कोई चिल्ला रहा था अभी कि तो कहाँ जाके वीडियो बना रहा है। गांव के लोग डरपोक भी बहुत ज़्यादा हैं गाइस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे अल्मोड़ा में ही क्या, पूरे उत्तराखंड में टाइगर नहीं है। और अगर टाइगर है तो वो है नैनीताल में, सिर्फ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास, और थोड़े बहुत पौड़ी गढ़वाल में है, राजा जी नेशनल पार्क में। लेकिन यहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ पर बाघ आता है, वो लेपर्ड को बाघ बोलते हैं, तो सबने बाघ मैं ही बच्चों ने बाघ समझता था, तो मेन इन्हें उसी बाघ का ही डर रहता है। लेकिन इन्हें पता नहीं कि वो बाघ नहीं है, लेपर्ड है। लेपर्ड से इतना डरने की जरूरत नहीं होती, लेपर्ड सेफ प्ले करता है, उसे भी अपनी जान की फिक्र है, वो भी चाहता है कि उसे चोट ना लगे, और वो अपने से छोटे शिकार पर ही अटैक करता है मोस्टली आप देखेंगे तो गांव के लोग मेन इसी वजह से डरते हैं, बाघ आ जाएगा और भूत चल लग जाएगा तुम पर, इन सब चीजों में बिलीव करते हैं। चलते हैं अब यहां से नीचे। यहाँ पर मेन डर अगर किसी चीज का है तो वो है भालू का, लेकिन भालू हमारे रीजन में होते नहीं है, चौखुटिया में होते हैं भालू, चौखुटिया में, जहां पर हमारी बस रुकती है ना, जहां से हमने मिठाई ली थी, व्लॉग में देखा होगा आपने, जहां से हम मिठाई लेते हैं वो चौखुटिया है, वहां पर है बाघ, सॉरी भालू, हिमालयन ब्लैक बेयर, हाँ आते हैं भालू। मेन खतरा भालू से, तेंदुए से इतना डरने की जरूरत है नहीं। हाँ रात में थोड़ा संभल के रहना चाहिए, बाकी तेंदुआ सेफ प्ले करता है, तेंदुए से डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर बाघ होता तो गांव में शायद एक भी बंदा यहाँ दिखता नहीं मुझे, अगर बाघ होता तो। बाघ बाघ है, बाघ सबसे बड़ी बिल्ली है, बिगेस्ट कैट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। यहाँ से आ रही थी आवाज, अब इनसे गांव के लोगों से बहस करना भी बेकार ही है, क्योंकि फिर अपनी बात ही ऊपर रखेंगे, तो मैं तो इनसे बहस करने से बचता ही हूँ, चाहे कोई भी हो। चल वो क्या व्लॉग व्लॉग बोल रही है ऊपर, औरत फोन पे क्या? मोटी मोटी छोटी सी प्यारी सी, गाइस ये बैल है, ये गाय है, गाय देखो कितनी प्यारी है, छोटी सी गाय। कहीं से गुस्सा कर रहा है देखो छूने में,
पालतू गाय भैंस बड़े गुस्सैल होते हैं, गली वाले का तो आप किसी को भी छू सकते हो, सब सींग चलाने में लगे रहते हैं। ओम किसने लिखा हुआ इतना बड़ा, ये मकान के ऊपर अच्छा लग रहा, सामने लिखना चाहिए, कहाँ पीछे कहाँ लिखा हुआ है भाई। गाइस ये देखो, ये मंदिर आपको दिख रहा है, कहाँ मंदिर, यहीं पर कल पूजा हुई थी, यहीं पर हुई थी कल जागर।